चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स लीडर्स रेटेट और समूह के अन्य नेताओं के साथ वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका और यूनान की 4 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को यहां पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका में इस चरण में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले समूह ब्रिक्स का यह साल 2019 के बाद पहला ऐसा सम्मेलन है जिसमें सभी नेता व्यक्तिगत रूप से शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ अन्य ब्रिक्स नेता वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे और वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए ब्रिक्स मंच का लाभ उठाएंगे। आज चंडीगढ़ शहर के स्कूलों, कॉलेजों और पंजाब यूनिवर्सिटी में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर विशेष प्रबंध किए गए। दरअसल आज शाम 5:30 से शाम 6:30 तक स्कूलों में लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, इसलिए बच्चे इससे पहले ही स्कूलों में पहुंचने शुरू हो गए। यह पहली बार है जब इस तरह के ऐतिहासिक अवसर पर बच्चों के लिए शाम को स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। सेक्टर 42 पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स के ऑडिटोरियम में बड़ी स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग का आयोजन किया गया। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के सेफ CIL में शाम 5:15 से शाम 6:15 तक चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की मेजबानी की जा रही है। मिजोरम के सेरांग में आज एक निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से कम 17 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना आइजोल से लगभग 21 किलोमीटर दूर तब हुई जब साइट पर निर्माण कार्य चल रहा था। मलबे से अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं जबकि अन्य कई अभी भी लापता हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए हर मृतक के परिजन को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने साथ ही बचाव कार्य में मदद के लिए बड़ी संख्या में सामने आए लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। पंजाब के स्कूलों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब में बाढ़ के हालात को देखते हुए सभी स्कूल कल से 26 अगस्त तक बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। उक्त जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत मैस ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अलग अलग जिलों में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर तुरंत प्रभाव से स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। पंजाब के सरकारी एडेड मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों को आज यानी 23 अगस्त से 26 अगस्त शनिवार तक छुट्टियां की जाती हैं। गत 29 जुलाई को फिरोजपुर के गांव गजनीवाला नजदीक सतलुज दरिया में अचानक बहकर पाकिस्तान पहुंचे हरविंदर सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह निवासी पर जिया बिहारीपुर लुधियाना और रतनपुर पुत्र महेंद्र सिंह निवासी खेरा मुस्तका थाना मेहतपुर हमले में नया मोड़ आया है। अब इन नौजवानों का नाम ड्रग और हथियारों की तस्करी के रूप में सामने आया है। पाकिस्तानी पुलिस ने 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच ड्रग और हथियार तस्करी के आरोप में सीमा के पास से जिन 6 पंजाबी नौजवानों को पकड़ने का दावा किया है उनमें इन दोनों अपराधियों के नाम भी शामिल हैं। यह खबर मिलने के बाद गांव और परिवार में शोक का माहौल है। पीड़ित की पत्नी सिकंदर कौर और परिजनों का कहना है कि हरविंदर कभी फिरोजपुर की तरफ गया ही नहीं तो फिर वह इस धंधे में शामिल कैसे हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सेना द्वारा भारी मात्रा में हेरोइन के साथ एक पाकिस्तानी तस्कर को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान ने उनके नौजवानों को झूठा फंसाया है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे इस मामले की पड़ताल करके उनके बेकसूर नौजवानों को भारत लेके आएं। पोंग डैम झील में पानी की आमद कम हो जाने पर बीबीएमबी प्रशासन द्वारा डैम में से पानी छोड़ना जारी रखते हुए कम कर दिया गया है और डैम में पानी का स्तर अब खतरे के निशान से नीचे आ गया है। जानकारी के अनुसार आज पोंग डैम से स्पिलवे द्वारा 48,487 तथा पावर हाउस द्वारा 17,292 कुल 65,779 क्यूसिक पानी शाह नहर बैराज में छोड़ा गया। शाम 7 बजे पोंग डैम झील में पानी की आमद 58,690 क्यूसिक नोट की गई और आज पोंग डैम झील का लेवल 1,388.67 फुट नोट किया गया जो कि खतरे के निशान से कुछ ही नीचे है। जानकारी के अनुसार शाह नहर बैराज में से आज 54,079 क्यूसिक पानी ब्यास दरिया में छोड़ा जा रहा है और 11,500 क्यूसिक पानी मुकेरिया हाइडल नहर में छोड़ा जा रहा है।
उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण प्रदेश में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी करने के मद्देनजर प्रशासन को 24 घंटे मुस्तैद रहने को कहा गया। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर बारिश जारी रहने के कारण नदी नाले उफान पर हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों समेत अनेक मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग द्वारा देहरादून सहित 8 जिलों में बारिश के रेड अलर्ट और 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करने के मद्देनजर उन जिलों के स्कूलों में आज बुधवार को छुट्टी रही। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ जिले में गौरी गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जबकि उधम सिंह नगर जिले में पिका बैराज में पानी का स्तर अधिकतम बाढ़ स्तर से ऊपर चला गया है। जल स्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को इस पर लगातार निगरानी रखने और पर्याप्त सावधानी बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस को मंडला क्षेत्र में नक्सलियों के वरिष्ठ कैडर के आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एटीएस ने तेलंगाना के गोलकुंडा निवासी 62 साल के फरार नक्सली अशोक रेड्डी उर्फ बलदेव को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पत्नी कुमारी पोटाई को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, बलवा, पुलिस पर हमला, अपहरण, लूट जैसे 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी अशोक रेड्डी पर तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिलाकर 82 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। तेलंगाना की 29 वर्षीय रूथ पॉल जोन कोयला देश की पहली ट्रांसजेंडर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं। उनका पीजी करने का सफर आसान नहीं था, इसके लिए उन्हें 2 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। रूथ पॉल जोन की यह उपलब्धि न केवल ऐतिहासिक सोच को तोड़ती है, बल्कि ट्रांसजेंडर समाज से जुड़ी रूढ़िवादिता को भी चुनौती देती है। उन्होंने अपने अधिकार पाने के लिए कई दरवाजों पर दस्तक दी। विभिन्न विभागों और मंत्रियों को 20 से अधिक अभ्यावेदन सौंपने की कठिन यात्रा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आखिरकार उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय से वह अधिकार मिला जिसकी वह हकदार थी। मैं वर्तमान में हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, जबकि भारत में अन्य ट्रांसजेंडर डॉक्टरों ने चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है, लेकिन उन्होंने पुरुष और महिला सीट पर ही अपने नामांकन हासिल किया है। वहीं रूथ जॉन पॉल ने कहा कि उनका सपना स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने का है। शराब घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय ने आज बड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच की आज अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दरवाजे तक पहुंच गई है। ईडी की टीम ने सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के आवास पर छापा मारा है। सीएम बघेल के ओएसडी मनीष बंछोर के आवास पर भी दबिश दी गई। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में विनोद वर्मा बेहद चर्चित नामों में से एक हैं। आशीष वर्मा और कारोबारी विजय भाटिया के घर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। भिलाई के 3 स्थानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। वहीं ईडी की दबिश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दिल्ली एनसीआर में स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद से 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के मालिकों को सड़कों और घरों के बाहर खड़े ऐसे वाहनों को स्क्रैप के लिए उठाने का डर सता रहा था, लेकिन अब दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से बड़ी खबर आई है कि वह इस अवधि में अब पार करने वाले वाहनों को स्क्रैप के लिए नहीं उठाए जाएंगे। वहीं इस आदेश के बाद इन वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है। नियम के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से लागू स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत उसी व्हीकल को स्क्रैप के लिए उठाया जा सकता है जिसकी निर्धारित समय सीमा पूरी हो चुकी है, या फिर उस व्हीकल को सड़क पर चलाया जा रहा हो, सड़क पर खड़ा वाहन जो बेकार हो चुका हो या फिर वाहन से प्रदूषण फैल रहा हो उसे उठाया जा सकता है, लेकिन अच्छी कंडीशन वाली कार को स्क्रैपिंग करने वाली एजेंसी नहीं उठा सकती है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी। चढ़दी कला फास्ट न्यूज।